बजट में छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली और इसके साथ ही उज्ज्वला योजना का फायदा भी प्रदेश को मिलेगा। माना जा रहा है कि प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा गैस के नए कनेक्शन बढ़ेंगे, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर राज्य को निराशा ही हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ को शिक्षा पर बड़ी सौगात, लेकिन बाकी मुद्दों पर खाली हाथ। घोषणा भले ही देश भर के लिए हुई हो, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में इससे बड़ा बदलाव आएगा। आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कम से कम 100 स्कूल खुलेंगे। एक एकलव्य स्कूल पर 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में आवासीय स्कूल का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षकों की नियुक्ति से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 85 विकास खंडों में से 14 में अभी एक भी स्कूल नहीं है। अभी प्रदेश में 16,000 छात्र एकलव्य विद्यालय में पढ़ रहे हैं। जहां 50% से अधिक आबादी आदिवासियों की होती है, वहां एकलव्य स्कूल खोले जाते हैं। प्रदेश में अभी 71 एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाकों में बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एकलव्य स्कूल से प्रदेश के बच्चों को बड़ा फायदा होगा। खास बात यह है कि शिक्षा पर अब राज्य सरकार अपना बजट कुछ कम कर सकती है। शिक्षा की बात छोड़ दे तो बाकी क्षेत्रों में प्रदेश को निराशा ही हाथ लगी है। इसीलिए कांग्रेस केंद्रीय बजट को घोषणा पत्र बता रही है। आंकड़ों के मायाजाल में पूरे देशवासियों को भ्रमित करने का इस बजट ने प्रयास किया, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा निराशाजनक कोई बात हो नहीं सकती। हम उम्मीद कर रहे थे कि 20 लाख करोड़ के पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के बारे में भी बजट में कोई बात कही जाएगी, लेकिन पूरा बजट इसके लिए मौन है। दुर्भाग्य हमारे राज्य के लिए और है कि संपूर्ण बजट के भाषण में छत्तीसगढ़ के नाम का जिक्र तक नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि 758 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे आदिवासी इलाकों में, तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों को बहुत बड़ी मात्रा में एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स मिलेंगे और 15,000 से ज़्यादा स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। अनुसूचित जाति के लोगों को स्कॉलरशिप देने के लिए इस बजट में 35,219 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। एक उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा कमीशन बनाया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रदेश को क्या उम्मीदें थी और कहां निराशा हाथ लगी। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 46% हो गई, लेकिन जल्द भुगतान को लेकर बात नहीं हुई। राज्य और केंद्र में जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि को लेकर तकरार होता रहा है। केंद्र पर देर से भुगतान करने के आरोप लगते रहे हैं। बजट में केंद्रीय भुगतान पर घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके साथ ही किसी बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं हुई। दरअसल राज्य सरकार की सबसे बड़ी चिंता जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि को लेकर है। राज्य सरकार 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति राशि चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ 8।